नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ इंडिया जियोग्राफी में भारत के पर्वत, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सा पर्वत, जो पर्वत श्रेणी जो स्थित है भारत की उत्तरी सीमा पर, तो वह है कौन सा, हिमालय पर्वत श्रेणी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसार की जो अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह हिमालय में ही स्थित हैं, और विश्व में 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से भी ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो कितने मीटर ऊँचे हैं, 7200 मीटर ऊँचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में महत्वपूर्ण जो शिखर कौन कौन से हैं, तो उनका नाम है सागरमाता, हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणे, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा। यह जो सारे हिमालय शिखर है यह हिमालय में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो हिमालय पर्वत किसका एक प्रकार है, तो यह जो प्रकार है यह है वलित पर्वत का। तो वलित पर्वत का प्रकार है क्या हिमालय पर्वत, और इसके जो महत्वपूर्ण जो शिखर आते वह भी यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है ESSC 2013 के अंदर ये पूछ लिया गया था। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, गोडविन आस्टिन। तो गोडविन आस्टिन जो है शिखर ये किसमें स्थित है, यह भी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। और यह कहां पर स्थित है, तो गोडविन आस्टिन माउंट के दो पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि POK में कश्मीर के कराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की नहीं ये किसकी है, ये POK में कश्मीर का जो कराकोरम पर्वतमाला श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर स्थित है, जो है उत्तरी कश्मीर में। कहाँ पर, उत्तरी कश्मीर में 35 से 53 उत्तरी अक्षांश और 76 से 31 पूर्व देशांतर पर है, और यह चीन के तक्षकोरगन, ताजिक, जिंगजियांग और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 28,250 फुट और 8,611 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, तो जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की वह कौन सी है, वह है हिमालय। कौन सी है, हिमालय। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा जो है सिक्किम के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल चार शब्दों से हुई, जिन्हें आमतौर पर कांग छेद दंगो दजोगा या फिर यांग छेन दजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ होता है विशाल हिम की पांच निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? और ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भी बीपीएससी 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वे कौन सा है? वह है दोस्तों कंचनजंगा। तो यह भी किसका भाग है? यह भी हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में जो पर्वत चोटी स्थित है वह कौन सी है? वह है नमचा बरवा। अरे असम हिमालय के उस भाग का पारस्परिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में त्संगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नमचा बरवा है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत जो है ग्याला पेरी, कंगतो पर्वत और नैनी कंसंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू संति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 सागर से हुई है। तो 33 सागर जो है गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित है किया जाता है, जो एक छिछला और संकरा सागर था और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों की यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और आल्पस जैसे पहाड़ों की जो है रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय का पाद प्रदेश है ये किस नाम से जाना जाता है? यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी 1999 में पूछा गया था, किस नाम से जाना जाता है? तो यह शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जा सकता है कहता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है यह 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई उपश्रेणियां भी हैं। यह 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तिस्ता नदी, सिक्किम से पश्चिमवर्त नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन JPSC 2013 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी के बीच स्थित है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और जीके की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।